शाह परिवार फिर से अनुपमा को खड़ा करेगा कटघरे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करते हूँ। शाह हाउस ना कभी सुधरा था ना कभी सुधरेगा, वो बदलता रहता है हालातों के हिसाब से। जैसे उनको कंफर्टेबल हालात मिलते हैं वैसे हो जाते हैं, जैसे उनको खराब हालात मिलते हैं वैसे हो जाते हैं। हालात घूमते मगर अनुपमा के इर्द गिर्द ही है। जरूरत हो तो अनुपमा को बुला लो, ना जरूरत हो अनुपमा की तरफ से कुछ ऐसा हो जाए तो अनुपमा को कटघरे में खड़ा भी कर दो। अब वही होने वाला है दोस्तों। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू हो गया है शाह परिवार का जो है कीर्तन। कीर्तन इसलिए कहा क्योंकि अभी धीरे धीरे हो रहा है कि हाँ अनुपमा की वजह से बाने शुरू कर दिया है। डिम्पी तो है ही वहां पे, तो अब शुरू हो गया है। और वनराज के बार बार हम शॉट्स देख रहे हैं जिसमें लग रहा है कि वनराज के ऊपर ये बात पूरी इफेक्ट कर रही है। और जब ये सब होता है तब अनुपमा को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि तुमको जरूरत क्या थी, क्यों नहीं गई तुम अमेरिका, क्यों हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ ये मालती देवी बिठा दिया है। तुमको कभी भी ये ध्यान नहीं आया अनुपमा की हमारे ऊपर क्या बीतेगी, तुमको सिर्फ अपनी छोटी के पास आना था तुम आ गई, तुमको अपना गिल्ट पूरा करना था तुमने गिल्ट पूरा कर लिया, हमारा क्या, हम हमारे बच्चों का क्या। यहां पे ये सब हो सकता है दोस्तों, वनराज के ये कहना हो सकता है और वनराज से पहले बा का, और इन दोनों के साथ अब डिम्पी भी मिल जाएगी क्योंकि डिम्पी जिस तरह की बातें करती नजर आ रही है वो बातें सीधी अनुपमा के ऊपर ही जाती है। तो अभी तो बा और डिम्पी एक अलग उसमें चल रहे हैं, मगर बहुत जल्दी जब ये मुसीबतें बढ़ेंगी, अभी तो एकेडमी बंद हुई है, अभी तो मुसीबतें बाकी हैं, जब ये सब होगा तो यही होगा जो मैंने कहा है कि ये सब अनुपमा को बुलाएंगे और फिर एक एक करके स्पीच देंगे कि आपकी वजह से हुआ मम्मी, आपकी वजह से, और जो अनुपमा के साथ थे वो अनुपमा के साथ ही रहेंगे। तो शाह परिवार का नाटक फिर से दोस्तों शुरू होने वाला है। ये शाह परिवार ना तो अनुपमा को छोड़ता है ना ही अनुपमा के साथ रहता है, ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदलता ही रहता है। तो ऐसे लोग कभी शांति से तो रहते नहीं है और ना ये रह रहे हैं। तो देखते हैं किस तरह और कब ये लोग ये अटैक करते हैं। बहुत जल्दी अनुपमा पे ये अटैक होने वाला है। फोन तो चला ही गया है, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। आपको अगर इसमें कुछ इनपुट्स देना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, उस पे दीजिए और देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.